दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल खबर ब्लेयर में, जो लाता है देश और दुनिया की सारी खबरें घर बैठे आप तक। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉप 3 के फैक्ट्स आपके लिए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त तो होगा ही, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते होंगे या फिर उसके साथ आप घूमने के लिए जाना भी चाहते होंगे और जाते भी होंगे। और वह कहते हैं ना कि एक अगर सच्चा दोस्त हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है उसके साथ। और आपने किसी न किसी की दोस्ती की कहानी भी सुनी ही होगी। आप सोच रहे होंगे आज मैं दोस्ती के क्या बात कर रहा हूँ। आज का फैक्ट हमारा दोस्ती से ही रिलेटेड है। कैसे कुछ दोस्तों ने एक दोस्ती की मिसाल बनाई। एक 1984 की चाइना के 3 दोस्तों ने कुछ इस तरह करके दिखाया, जैसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसे ये फैक्ट देखने के बाद या फिर इसके बारे में जानकारी लेने के टाइम पे हमारे होश उड़ गए। तीनों दोस्तों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वह पैदल ही चल पड़े द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक एंड से दूसरे एंड के लिए। और उन्हें अपनी यह जर्नी पूरी करने के लिए टोटल 510 दिनों का समय लगा। जी सही सुना आपने, टोटल 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय उनको लगा। है ना ये बिल्कुल ही यूनिक फैक्ट। आपको आपकी अपनी दोस्त के साथ सबसे बड़ी जर्नी कितनी रही है, कितनी लंबी जर्नी रही है अपने दोस्त के साथ, जितना लंबा आपने ट्रैवल किया, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सब में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी। किसी को चाय पसंद आती है, किसी को कॉफ़ी, और हर एक का अलग टेस्ट होता है, सिचुएशन होता है कॉफ़ी पीने का। और आपको तो ये पता ही होगा कि अगर किसी को नींद आ रही होती है और उसे अपना कोई इंपॉर्टेंट काम या पढ़ाई करनी होती है तो वह लोग कॉफ़ी का ही सहारा लेते हैं। ये वाला फैक्ट हमारा इसी से बेस्ड है। जर्मनी के एक शख्स ने कॉफ़ी पी के ना सोने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने कॉफ़ी पी के पूरे 264 घंटे मतलब 11 दिन तक ही जगे रहे, मतलब पूरे 11 दिनों तक सोए ही नहीं। दोस्तों यहाँ हमारी एक दिन की भी नींद अगर डिस्टर्ब होती है तो हमसे रहा नहीं जाता, अगला पूरा दिन सर में दर्द रहता, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए सोचिए एक इस इंसान ने पूरे 11 दिन तक नहीं सोया तो वह इसका क्या, उसका क्या ही हाल हुआ होगा। और इसका रीज़न से इसका नाम और इसी रीज़न से इसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लेकिन बाद में गिनीज बुक के मैनेजमेंट ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की या फिर इसका कॉम्पीट करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि इसमें कोई हेल्थ रिस्क था, क्योंकि इससे किसी की भी जान को खतरा हो सकता था ये रिकॉर्ड तोड़ने के या इस रिकॉर्ड की बराबरी करने का। दोस्तों दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस दुनिया में बहुत से अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। आपने भी बहुत से आर्टिस्ट रियल में या टीवी पे देखा ही होगा। हमने अपने पिछली वीडियो में ऐसे ही बहुत से आर्टिस्ट के बारे में बताया ही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है अगर वो वीडियो, तो हमने आई बटन में उस वीडियो की लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। और आप लोगों के पास भी कुछ यूनिक आर्ट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस फैक्ट में एक हम ऐसे आर्टिस्ट के बारे में ही आपको बताएंगे जिसका आर्ट कुछ अलग ही लेवल का है। इसे सुन के आप लोगों का भी लगेगा कि ऐसा भी क्या हो सकता है। अमेरिका के आर्टिस्ट हैं जो कि बेहद ही यूनिक ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो बहुत से लोग हैं जो कि ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन आगे तो सुनिए, असली फैक्ट तो अभी आना बाकी है। वो ड्रेस डिज़ाइन के बाद डेड सी के अंदर 2 महीनों के लिए उस ड्रेस को रख देते हैं, और 2 महीनों के बाद जब उस ड्रेस को निकाला जाता है तो वो बिल्कुल ही सॉल्ट क्रिस्टल जैसा एक अद्भुत ड्रेस बन के बाहर निकलती है। और बहुत मार्केट में या फिर नीलामी में वो ड्रेस बहुत करोड़ों में बिकती है। सोचिए एक ड्रेस को तैयार के लिए अगर इतनी मेहनत लगती है तो सोचिए कि ऐसी ऐसी ड्रेस बनाने में उनको कितनी मेहनत लगती होगी। दोस्तों अगर मेहनत की बात करें तो हमने ये फैक्ट आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, उसमें भी हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें।